हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्यपुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण का पांचवा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि श्यानता क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि रेनॉल्ड संख्या क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्यानता क्या होती है। दोस्तों, श्यानता द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति या रिलेटिव वेलोसिटी का विरोध करता है। दोस्तों, द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्षयान बल कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक नदी है जिसमें तरल बह रहा है। तरलों में नीचे वाली परत में पानी के कणों की गति अलग होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि पानी के कणों की गति नीचे वाली परत में V2 है और ऊपर वाली परत में V1 है। यानी नीचे वाली परत में कणों की जो गति होगी वो कम होगी, और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे वाली परत में कणों के बीच जो आकर्षण होता है वह ज्यादा होता है, जिसके कारण नीचे वाले कणों की गति ऊपर वाले कणों की गति से कम हो जाती है। दोस्तों, जब दोनों परतें साथ में गति करती हैं तो ऐसा लगता है कि नीचे वाली परत के कारण ऊपर वाली परत उस पर पीछे की ओर एक बल लगा रही है, जिसे हम क्षयान बल कहते हैं। क्षयान बल का मान परतों के संपर्क क्षेत्रफल और परतों के बीच वेग प्रवणता का अनुक्रमाती होता है। दोस्तों, क्षयानता केवल द्रव तथा गैसों में ही पाई जाती है, जबकि ठोसों में घर्षण होता है। गैसों में जो क्षयानता होती है ताप बढ़ने पर वह बढ़ जाती है, जबकि द्रव्यों की श्यानता का मान ताप बढ़ने पर घट जाता है। द्रव की श्यानता गैसों से अधिक होती है। गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव की श्यानता से अधिक होती है। दोस्तों, द्रव के एकांक क्षेत्रफल वाले दो परतों के बीच का बल द्रव के श्यानता गुणांक के बराबर होता है। श्यानता गुणांक की परिभाषा अवरूपक प्रतिबल तथा विकृति दर के रूप में की जा सकती है, मतलब नेटा बराबर है FL भाग VA के। श्यानता का SI मात्रक पॉइज है और इसके दूसरे मात्रक हैं न्यूटन सेकेंड, मीटर ऋण दो या पास्कल सेकेंड। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टॉक का नियम क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक का नियम एक गणितीय समीकरण है जो एक द्रव के माध्यम में छोटे गोलाकार कणों में नियत होते वेग को व्यक्त करता है। दोस्तों, स्टॉक ने यह सोचा कि कैसे जब एक पिंड किसी तरल में गिरता है तो वह अपने संपर्क में तल की परतों को भी खींचता है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे। हम एक गोलाकार छोटी सी पिंड लेते हैं जो कि तरल में डूबा हुआ है। तरल की विभिन्न परतों में अपेक्ष गति उत्पन्न होगी और परिणाम स्वरूप पिंड एक प्रमाणी मंदक बल का अनुभव करेगा। दोस्तों, जब कोई पिंड श्यान द्रव में गिर जाता है तो वह श्यान बल अनुभव करता है और यह बल श्यान द्रव के माध्यम से गिरते हुए गोले या कण पर गतिरोध डालता है और ये गोला वेग, त्रिज्या और द्रव पदार्थ की श्यानता के अनुपातिक होता है। तो दोस्तों, स्टॉक ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्यान बल निर्भर करता है द्रव की श्यानता गुणांक पर, गोलाकार के त्रिज्या पर और वेग पर। दोस्तों, इस नियम का उपयोग मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के निर्धारण में किया जाता है और
यह नियम पैराशूट के माध्यम से नीचे आने वाले व्यक्ति की मदद करता है और यह नियम बादलों के निर्माण में भी जिम्मेदार होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है। दोस्तों, रेनॉल्ड्स संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल जड़त्वीय बल और प्रति एकांक क्षेत्रफल श्यान बल के अनुपात को उस तरल का रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं और इसे RE से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, यदि रेनॉल्ड्स की संख्या 0 से लेकर 2000 के मध्य में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि तरल का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है। दोस्तों, रेनॉल्ड्स संख्या एक अभिन्न संख्या है जो तरल के प्रवाह की विभिन्न स्थितियों में समान प्रवाह पैटर्न का आलंकन करने में मदद करती है। दोस्तों, RE बराबर होता है रो VD भाग नीटा के, जहां पर रो तरल का घनत्व है और V तरल के प्रवाह की चाल है और D नालिका का व्यास है। दोस्तों, यदि RE का मान 1000 से कम होता है तो प्रवाह स्तरीय होता है और यदि RE का प्रवाह 2000 से ज्यादा होता है तो वो विशुद्ध प्रवाह होता है। दोस्तों, इस तथ्य से हमें जहाजों, पनडुब्बियों, रेस में उपयोग होने वाली कारों तथा वायुयानों की अभिकल्पना करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, RE को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब RE बराबर है जड़त्वीय बल भाग श्यानता बल के। इस तरह से RE अंक जड़त्वीय बल अर्थात प्रवाही तरल के द्रव्यमान अथवा प्रवाह मार्ग के अवरोध तथा शयान बल का अनुपात होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का वो गुण जिसके कारण तरल अपने पृष्ठ फल यानी कि सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है यानी सिकुड़ने का काम करता है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। दोस्तों, द्रव में पृष्ठ तनाव दर के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है और ससंजक बल वह बल होता है जो कि एक प्रकार के अणुओं के बीच लगता है। पृष्ठ तनाव का मान द्रव के प्रति एकांक काल्पनिक लंबाई पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यदि दोस्तों काल्पनिक लंबाई वाले द्रव पर लगने वाले बल का मान F है तो पृष्ठ तनाव होगा T बराबर F भाग L। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि श्यानता क्या होती है, जिसके बाद हमने रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम पृष्ठ ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और जिसके बाद हम देखेंगे कि अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति की विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? श्यान बल, प्रतिबल, प्रत्यायन बल, ऊपर के A और B दोनों। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर खाली स्थान हो जाती है, समान रहती है, अलग हो जाती है, बढ़ जाती है, ऊपर में से कोई भी नहीं। श्यानता का SI मात्रक क्या है? पॉइस, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर वर्ग 2, पास्कल सेकंड, ऊपर के सभी। रेनॉल्ड संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? RE, V, A, P। पृष्ठ तनाव की SI इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग 2, न्यूटन प्रति मीटर, मीटर वर्ग 2, डाइम प्रति सेंटीमीटर वर्ग 2।
साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं, जैसे अंडमान और निकोबार के सयान अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है, और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है, फिर 1,00,000 सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1,000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यवसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें, और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय संचार व्यवस्था का तीसरा और अंतिम भाग समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे मॉड्यूलन तथा इसकी आवश्यकता।
इसके बाद जानेंगे आयाम मॉडुलन को और जानेंगे आयाम मॉडुलित तरंगों को उत्पन्न कैसे किया जाता है और अंत में आयाम मॉडुलित तरंगों का संसूचन। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले वीडियो में जान चुके हैं कि किसी संचार व्यवस्था का उद्देश्य सूचना अथवा संदेश सिग्नलों को प्रेषित करना है। संदेश सिग्नलों को आधार बैंड सिग्नल भी कहते हैं, जो उस मूल सिग्नल द्वारा निरूपित आवृत्ति बैंड को निर्दिष्ट करता है जिसे सूचना स्रोत द्वारा प्रदान किया गया है। कोई भी सिग्नल एकल आवृत्ति का ज्यावक्र नहीं होता, वह एक आवृत्ति परिसर जिसे सिग्नल बैंड चौड़ाई कहते हैं में फैला होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि हम श्रव्य आवृत्ति के किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किसी लंबे दूरी पर सीधे ही प्रेषित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ऐसे बहुत से कारक हैं जो हमें ऐसा करने से रोकते हैं। तो आइए जानते हैं उन कारकों को और जानते हैं कि हम उन पर कैसे पार पा सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारक है एंटीना अथवा एरियल का साइज। दोस्तों, किसी सिग्नल को प्रेषित करने के लिए हमें किसी एंटीना या एरियल की आवश्यकता होती है। कोई एंटीना उस सिग्नल में समय के साथ होने वाले परिवर्तन उचित रूप से संवेदन कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि उस एंटीना का साइज उस सिग्नल की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा के लगभग 1/4 हो। अब जैसे 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की किसी वैद्य चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य लगभग 15 किलोमीटर होती है। स्पष्ट है कि इस लंबाई के तुलनीय साइज का एंटीना निर्मित करना तथा प्रचालित करना संभव नहीं है। अतः ऐसे आधार बैंड सिग्नलों का सीधा प्रेषण व्यावहारिक नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि प्रेषण आवृत्ति 1 MHz है तो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य इसके लिए होगा 300 मीटर। तो उपयुक्त लंबाई के एंटीना द्वारा प्रेषण संभव हो सकता है। दूसरा कारक है किसी एंटीना द्वारा प्रभावित शक्ति विकिरण। किसी एंटीना द्वारा विकिरित शक्ति 1/λ^2 के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका तात्पर्य यह है कि एंटीना की समान लंबाई के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा के घटने पर अर्थात आवृत्ति में वृद्धि होने पर विकिरित शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अतः किसी लंबी तरंग दैर्ध्य के आधार बैंड सिग्नल द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण कम होती है। और दोस्तों, तीसरा कारक है विभिन्न प्रेषित्रों से प्राप्त सिग्नलों का मिश्रण। मान लीजिए कि बहुत से व्यक्ति एक ही समय पर बातचीत कर रहे हैं अथवा एक ही क्षण कई प्रेषित्र आधार बैंड सूचना प्रेषित कर रहे हैं। ये सभी सिग्नल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तथा इनमें विभेदन करने का कोई सरल उपाय नहीं है। तो दोस्तों, उपरोक्त तर्क यह सुझाते हैं कि न्यून आवृत्ति के मूल आधार बैंड या सूचना सिग्नल का प्रेषण से पूर्व किसी उच्च आवृत्ति तरंग में रूपांतरण आवश्यक है। यह रूपांतरण प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि रूपांतरित सिग्नल में उन सभी सूचनाओं का समावेश रहे जो मूल सिग्नल में समाहित थी। ऐसा करने के लिए हम किसी उच्च आवृत्ति सिग्नल जिसे वाहक तरंग कहते हैं की सहायता लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वाहक तरंग के साथ सूचना को संलग्न किया जाता है मॉडुलन कहलाती है। इसके अलावा मॉडुलन 3 प्रकार के होते हैं, आयाम मॉडुलन यानी एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, आवृत्ति मॉडुलन यानी फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन तथा कला मॉडुलन यानी फेज मॉडुलेशन। इसके अतिरिक्त दोस्तों, कई बार सूचना स्पंद के रूप में होती है, अतः स्पंद मॉडुलन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में हम केवल आयाम मॉडुलन की चर्चा करेंगे। तो आइए अब जानते हैं आयाम मॉडुलन को। दोस्तों, आयाम मॉडुलन में वाहक तरंग के आयाम में सूचना सिग्नल के अनुसार परिवर्तन होता है। इसके लिए मान लीजिए कि CT जो कि बराबर है AC sin ωCT के, यह एक वाहक तरंग को निरूपित करती है तथा MT जो बराबर है AM
साइन ओमेगा एम टी के, यह एक मॉडुलस सिग्नल अथवा संदेश को निरूपित करती है, जबकि ओमेगा एम जो बराबर होगा 2 पाई एफ एम, यह संदेश सिग्नल की कोणीय आवृत्ति है। तब मॉडुलस सिग्नल सी एम टी इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, सी एम टी बराबर ब्रैकेट ए सी जमा ए एम साइन ओमेगा एम टी ब्रैकेट बंद साइन ओमेगा सी टी। क्या इसे लिख सकते हैं ए सी ब्रैकेट एक जमा ए एम बटे ए सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, या इसके अतिरिक्त इसे लिखा जा सकता है सी एम टी बराबर ए सी साइन ओमेगा सी टी जमा म्यू ए सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। दोस्तों यहाँ पर म्यू जो बराबर है ए एम बटे ए सी के, इसे मॉडुलन सूचकांक कहा जाता है। अब त्रिकोणमितीय संबंध साइन ए साइन बी जो बराबर होता है एक बटे दो कॉस ए घटा बी घटा कॉस ए जमा बी के, इस संबंध का उपयोग करके हम समीकरण को लिख सकते हैं सी एम टी बराबर ए सी साइन ओमेगा सी टी जमा म्यू ए सी बटे दो कॉस ओमेगा सी घटा ओमेगा एम टी घटा म्यू ए सी बटे दो कॉस ओमेगा सी जमा ओमेगा एम टी। दोस्तों यहाँ पर ओमेगा सी घटा ओमेगा एम निम्न पार्श्व आवृत्ति तथा ओमेगा सी जमा ओमेगा एम उच्च पार्श्व आवृत्ति कही जाती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आयाम मॉडुलस तरंग को उत्पन्न कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आयाम मॉडुलन उत्पन्न करने के विविध ढंग हो सकते हैं। यहाँ चित्र में ब्लॉक आरेख में इसकी एक सरल संकल्पनात्मक विधि दर्शाई गई है। यहाँ पर सिग्नल एक्स टी को उत्पन्न करने के लिए मॉडुलक सिग्नल ए एम साइन ओमेगा एम टी को वाहक सिग्नल ए सी साइन ओमेगा सी टी में मिलाया जाता है। इस सिग्नल एक्स टी को फिर वर्ग नियम युक्ति से गुजारते हैं। इसके बाद इस सिग्नल को बैंड पारक फिल्टर से गुजारते हैं जो न्यून तथा उच्च आवृत्तियों का निराकरण कर देता है तथा आवृत्तियों के एक बैंड को गुजरने देता है। इस प्रकार बैंड पारक फिल्टर का निर्गत एक एएम यानी आयाम मॉडुलस तरंग होती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आयाम मॉडुलस तरंग का संसूचन किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों संसूचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मॉडुलस वाहक तरंग से मॉडुलस सिग्नल की पुनः प्राप्ति की जाती है। हमने अभी देखा था कि मॉडुलस वाहक तरंग में ओमेगा सी तथा ओमेगा सी जमा घटा ओमेगा एम आवृत्तियां होती हैं। इससे आवृत्ति ओमेगा एम वाले कोणीय मूल संदेश सिग्नल यानी एम टी को प्राप्त करने की एक सरल विधि चित्र में ब्लॉक आरेख के रूप में दर्शाई गई है। मॉडुलस सिग्नल जिसका रूप चित्र में दर्शाया गया है दिष्टकारी से गुजारा जाता है जिसके फलस्वरूप चित्र बी में दर्शाए अनुसार निर्गम प्राप्त होता है। सिग्नल बी का यह एनवेलप ही मूल सिग्नल है। इसके बाद सिग्नल एम टी की पुनः प्राप्ति के लिए इस संदेश सिग्नल बी को एनवेलप संसूचक से गुजारा जाता है जो कि एक सरल आरसी परिपथ होता है। तो दोस्तों इस अध्याय में हमने संचार तथा संचार व्यवस्थाओं की कुछ मूल संकल्पनाओं के विषय में चर्चा की। इसमें हमने एक विशिष्ट प्रकार के अनुरूप मॉडुलन आयाम मॉडुलन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के विषय में भी चर्चा की। मॉडुलन के अन्य प्रकारों तथा अंकीय संचार व्यवस्था की भी आधुनिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन अन्य उत्तेजनापूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं। अब तक हमने अपनी चर्चा को कुछ मूल संचार व्यवस्थाओं तक ही सीमित रखा है। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम आपको आधुनिक समय की कुछ उन संचार व्यवस्थाओं की झलक दिखाना चाहते हैं जिनसे हमारे दैनिक जीवन में सूचनाओं का आदान प्रदान के ढंग में आमूलचूल परिवर्तन उत्पन्न हो गया है, जिसमें सबसे पहले है इंटरनेट। दोस्तों इस व्यवस्था का सारे संसार में करोड़ों उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत
किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच हर प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संचार का अवसर प्राप्त होता है। यह 1960 में आरंभ हुआ तथा सर्वसाधारण के लिए 1990 से सुलभ किया गया। इसके उपयोग से हम ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वर्ल्ड वाइड वेब, ई कॉमर्स तथा बातचीत और गपशप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुलूपी यानी फैक्स, जो किसी स्थिर लिखित प्रमाण का प्रतिबिंब प्रदान करती है, टेलीविजन की भांति किसी गतिशील वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान नहीं कर सकती तथा मोबाइल टेलीफोनी के लिए भी संचार व्यवस्था का उत्तम होना अति आवश्यक है। दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा ये अध्याय और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये कोर्स भी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये वीडियोस आपको अपनी पुस्तक के विषयों को समझने में मदद करेंगे। इसी के साथ खत्म होता है हमारा और आपका ये सफर। आपको आपकी परीक्षाओं और उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय। मानव स्वास्थ्य और रोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा और उनके प्रकार और लसिकाब अंग। प्रतिरक्षा। आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कितने संक्रामक कारकों का सामना करते हैं? हर दिन एक मनुष्य का शरीर 100 से भी अधिक प्रकार के रोगजनक का सामना करता है, परंतु फिर भी हम हर दिन बीमार नहीं पड़ते हैं। कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब है मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र। पर प्रतिरक्षा परपोषी के रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता है जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है, उसे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा का सबसे पहला कदम है। यह एक प्रकार का अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मनुष्य में होता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रामकारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होता है। यह किसी भी रोग जनक में फर्क नहीं करता। सहज प्रतिरक्षा में चार प्रकार के रोध होते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक रोध या फिजिकल बैरियर। त्वचा प्रथम रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग के एपिथीलियम का श्लेष्म आलेप शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकता है। कायिकीय रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। लाइसोसोम आंखों के आंसू में और आमाशय में आम्ल ये शरीर के रोगाणुओं से हमें बचाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पार्ट के माइक्रोफ्लोरा भी रोगजनक को बढ़ने का मौका नहीं देते। कोशिकीय रोध या सेल्यूलर बैरियर। रक्त में कई प्रकार के श्वेतानु या WBC होते हैं जो कोशिकीय रोग में प्रमुख होते हैं। सहज प्रतिरक्षा में मदद करने वाले श्वेतानुओं को फैगोसाइट्स कहते हैं। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स जो चोट लगने पर उस स्थान पर पहुंचते हैं रक्त द्वारा और फिर यह धमनियों से निकलकर, जिसे हम डायपेटिसिस कहते हैं, वह रोगाणुओं तक पहुँचते हैं। रोगाणुओं तक पहुंचकर उसका भक्षण कर खुद मर जाते हैं, जिससे पस का उत्पादन होता है। दूसरा है बृहद भक्षकाणु जो किसी भी प्रकार के रोगाणुओं का भक्षण कर सकता है। रक्त में इनकी मात्रा न्यूट्रोफिल्स की मात्रा से काफी कम होती है। इस
जिसकी मृत्यु करीब 100 रोगाणुओं का खात्मा करके होता है। वृहद भक्षकाणु कैंसर कोशिकाओं को भी मारने की कोशिश करता है। तीसरा है प्राकृतिक मारक सेल्स, जो रोगाणुओं को स्कैन करते हैं और जिस रोगाणु में उनमें खतरा मिलता है वह उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा जन से मनुष्य में नहीं होता। एक मनुष्य अपने जीवन काल में यह प्रतिरक्षा उपार्जित करता है। जो रोग मनुष्य में एक बार हो चुका है, उपार्जित प्रतिरक्षा इसकी स्मृति रखकर मनुष्य को दूसरी बार इसी रोग से प्रतिरोध करने में मदद करता है। यह रोगजनक विशिष्ट है। यह प्रतिरक्षा हमारे रक्त में मौजूद दो प्रकार के लसिकाणु से होता है। पहला टी लसिकाणु, जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने के बाद काम करते हैं, इसीलिए उसे कोशिकीय माध्य प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा है बी लसिकाणु, जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने से पहले काम करते हैं, इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब टी लसिकाणु के कुछ खास प्रकार होते हैं, जैसे कि सहायक टी सेल्स दो प्रकार के लसिकाणु बनाते हैं। इफेक्टर टी सेल्स, जो दूसरे लसिकाणु को रोगजनक की जानकारी देता है, जो शरीर के प्रति बेहतर प्रतिरोध करने में मदद करता है। दूसरा है मेमोरी टी सेल्स, जो रोगजनक के एंटीजन को याद रख उपार्जित प्रतिरक्षा में मदद करता है। कभी कभी कुछ लसिकाणु रोगजनकों से लड़ते हुए नष्ट हो जाते हैं। तब आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो इन्हें मार देते हैं और खत्म कर देते हैं। अब बी लसिकाणु कैसे लगते हैं? यह हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनक से लड़ सके। इन प्रतिरक्षी प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहते हैं, या प्रतिरक्षा अणु भी कहा जा सकता है। एंटीबॉडी दूसरे मैक्रोफेज या वृहद भक्षकाणु को मारने का संकेत देते हैं। मेमोरी बी लसिकाणु और टी लसिकाणु रोगजनक के एंटीजन को याद रखकर उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में तुरंत काम करता है, परंतु जब रोगजनक शरीर को ज़्यादा हानि पहुंचा देता है, तब उपार्जित प्रतिरक्षा प्रतिरोध में मदद करता है। उपार्जित प्रतिरक्षा में कई दिन लग जाते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा के बारे में। जब मनुष्य में प्रतिजन या एंटीजन प्राकृतिक तौर पर प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षा होता है उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब हमारा शरीर अलग अलग प्रकार के रोगजनक के संक्रमण में आता है, तब सक्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार काम करता है? सक्रिय प्रतिरक्षा में इन रोगजनक के खिलाफ दो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं टी लसिकाणु और बी लसिकाणु प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रोगजनक को नष्ट कर देते हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा कैसे होती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर के लसिकाणुओं को एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं होती। प्रतिजन के खिलाफ शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी होती है। नवजात शिशु में निष्क्रिय प्रतिरक्षा अहम होता है। एंटीबॉडीज माता के दुग्ध श्रवण में पीयूष या कोलेस्ट्रॉम से आता है। अब कृत्रिम प्रतिरक्षा, जब मनुष्य में प्रतिजन का किसी माध्यम से प्रवेश करवाया जाए, तो उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया होती है उसे कृत्रिम प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसका उदाहरण है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। प्रतिजन के प्रवेश पर रक्त में मौजूद लिम्फोसाइट्स या बी लसिकाणु उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाते हैं, जिससे कि एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया होती है। इसे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। टीकाकरण में निष्क्रिय या दुर्बल रोगजनक के प्रतिजन को निर्मित शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजन
के विरुद्ध प्रतिरक्षियां एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रभावित करते हैं। इस प्रतिक्रिया को मेमोरी बी और टी सेल्स याद रखते हैं। इस प्रक्रिया को प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब मनुष्य के जीवन काल में अगर किसी रोग के प्रतिजन से संक्रमण हो जिसका उस व्यक्ति ने पहले से ही टीका ले लिया है, तब वह व्यक्ति उस रोग से संक्रमण से आसानी से बच सकता है, क्योंकि मेमोरी बी और टी सेल्स रोगजनक को जल्दी पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। इसे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। एलर्जी। एलर्जी स्व प्रतिरक्षा पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर्रंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। किसी भी जीवाणु के संक्रमण में आने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बी लसिकाणु को संदेश देता है, जो आईजीई प्रतिरक्षा अणु एंटीबॉडी को खून में छोड़ देता है, जो इस रोगाणु के प्रति हानिकारक होता है। आईजीई एंटीबॉडी फिर रक्त के द्वारा मास्ट सेल्स को जाके सक्रिय करते हैं। मास्ट सेल्स इसके प्रति हिस्टामिन का उत्पादन करते हैं। हिस्टामिन की मात्रा बढ़ने पर शरीर की धमनियों में रिसाव आने लगता है, जिससे न्यूट्रोफिल्स धमनियों से निकलकर रोगाणु से लड़ते हैं। परंतु कभी कभी मनुष्य का शरीर अहानिकारक चीजों को रोगजनक समझ लेता है और यह पूरी प्रतिक्रिया सिर्फ सामान्य वस्तु के खिलाफ होती है। इसे एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसे प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है, उन्हें एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जी के लक्षण में आते हैं छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सूजन, खुजली, डायरिया या सांस लेने में कठिनाई। परंतु कभी कभी एलर्जी जानलेवा हो जाती है। इसे हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक के दौरान श्वसन पथ में सूजन हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में बाधा होती है, साथ में रक्तचाप में गिरावट होने लगती है। इसलिए यह जानलेवा हो सकती है। प्रतिहिस्टामिन एलर्जी को रोकने में मदद करती है। स्टेरॉइड भी एलर्जी को रोक सकता है। एनाफिलैक्सिस में एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन शॉट देना आवश्यक है, क्योंकि इससे रक्तचाप बढ़ता है और सांस लेने में सुविधा होती है। स्व प्रतिरक्षा। स्मृति उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच फर्क कर सकता है। अनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देती है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और इसे स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और वेगनर्स ग्रैन्युलोमोस्टोसिस। लसिकाभ अंग। जिन अंगों में लसिकाणुओं की उत्पत्ति और परिपक्वन या मैच्योरेशन और प्रचुरोद्भवन या प्रोलिफरेशन होता है, उन्हें हम लसिकाभ अंग कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक लसिकाभ अंग। यहाँ अपरिपक्व या इमैच्योर लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील में विभाजित होते हैं। आसान शब्दों में यहाँ लसिकाणुओं का परिपक्वन होता है। इनके उदाहरण है अस्थि मज्जा और थाइमस। दूसरा होता है द्वितीय लसिकाभ अंग। यहाँ लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। इनके उदाहरण है कुछ इस प्रकार प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, शुदांत्र के पेयर पैच और परिशेषिका। अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है, जहां लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यह श्वेताणु के मैच्योरेशन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करता है।
थाइमस, जन्म के समय अस्थि मज्जा से भी ज्यादा मुख्य होता है यह, जहाँ ती लक्षाणु का परिपक्वन होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का आकार घटता रहता है और यौन अवस्था में थाइमस की जगह अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाब अंग बन जाता है। प्लीहा, प्लीहा में सूक्ष्म जीवों को फंसाकर फिल्टर के रूप में काम करता है यह, इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। लसिका ग्रंथियां, छोटे ठोस संरचनाएं होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और उत्तक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो फिर हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? सबसे पहले शरीर अपनी प्रतिरक्षा कैसे करता है और दूसरा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और विभिन्न लसिका अंग के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स और कैंसर के बारे में। अब के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि, देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स, वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIEF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा, तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ तीन काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग
घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है। है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कॉम्पिटिशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा 9 प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1,00,000 नए विचारों अथवा 9 प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को ₹10,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कॉम्पिटिशन क्या होता है? इस कॉम्पिटिशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाओ टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे।
यह वीडियो बीपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।